fuck me. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की इस वीडियो आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस, जो आपने शुरुआत में अभी वीडियो देखी काफी ज्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप के रील्स बनाकर रील्स पे अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे कैप्चा टैब और टर्बो वीपीएन को डाउनलोड करना है, और दोनों के लिंक आपको मिल जाएगा नीचे टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट करना है आप लोगों ने, और यहाँ पे कैप्चा टैब को ओपन करना है, ठीक है। तो ये कैप्चा टैब को मैंने ओपन कर लिया, वीपीएन को पहले से कनेक्ट कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से देख सकते हैं वीडियो आ चुकी है, ठीक है। आपने भी सिंपल वीडियो ले ली, मैंने भी सिंपल सी वीडियो ले ली, और यहाँ पे साउंड आपको मिल जाएगा नीचे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। फिर यहाँ पर उसको दोनों फिंगर्स आपको उसको फुल्ली जूम करना है, ठीक है, फुल्ली जूम करना, फुल्ली जूम, और 0.01 सेकंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके आगे यहाँ पे आपने इसको कट लगा लेना, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे अगला वाला जो पॉइंट है वो है 0.04 सेकंड के आगे 10 फीट 20 फीट के हल्का सा पीछे लगाना आपने, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ाना, और आगे आपको 0.07 सेकंड के पीछे आपको 20 फीट दिख रहा है, इसके हल्का सा आगे आपने लगा देना है, ठीक है। फिर आपको 0.07 सेकंड के आगे जो पॉइंट है उसके नीचे आपने कट लगाना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने आगे जाना, आगे देखना, आगे वाला कट है 0.09 सेकंड के आगे 10 फीट है, तो उसके आगे लगा देना कट, ठीक है। तो ये हो चुका है, और यहाँ तक हमारा म्यूज़िक है, तो यहाँ तक इसको रखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। तो देख सकते डिलीट हो चुका है, और यहाँ पे इस तरीके आपका सामने इंटरफेस आ गया है। अब दोस्तों क्या करना, आप लोगों ने यहाँ पे मैं वीडियो ले रहा हूँ जो कि शुरुआत में आपने देखी है, तो ये वीडियो मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कौन सा इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको छोटा करके मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई वीडियो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने कर लेना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने लगाना है हालो ब्लर, ठीक है। हालो ब्लर कहाँ तक लगाना है आपने, तो ऐड आ गया, इसको स्किप कर देते हैं। तो ऐड को मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हालो ब्लर हमने लगाना है लगभग यहाँ तक, ठीक है ना। तो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट पे आएंगे, टेंडिंग वाले सेक्शन के नीचे आपको मिल जाएगा हालो ब्लर, ठीक है। ये लगा देना आपने, और इसको थोड़ा सा बढ़ाना है हमने, तो यहाँ पे इसको रख देना है, ठीक है ना। एडजस्ट पे क्लिक करना है, डेंसिटी को कर देना फुल, और यहाँ पे इसको कर देना 15 सेकंड करना है। फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लगा देंगे हम वाइट वाला, लेंथ रख देंगे 0.2 के अराउंड, ठीक है। इस तरीके से हो चुका है ये, और यहाँ पे हमने लगाएंगे कट। एनिमेशन पे क्लिक करना है, इन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लगाएंगे इफेक्ट, और थोड़ा हमने लास्ट में जाना है, और लास्ट में आपने देखना है कौन सा ऐप पे आपने फिट बैठेगा। ये स्लाइंग स्विंग राइट करके दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये वाला आप लगा सकते हो, ठीक है। और ये नहीं लगाना तो यहाँ पे आप कोई और सब यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, ये रॉक वर्टिकल करके और करके ये वाला लगा देना आपने, लेंथ 0.6 के राउंड कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे वही लगा देना प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके, वाइट वाला लेंथ 0.2। फिर यहाँ पे आगे देखना है, आगे जाके यहाँ पे देख सकते हैं एक इफेक्ट और लगाना है, इस पर क्लिक करना है, इंच पे इन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लगा देंगे रॉक वर्टिकल, ठीक है। लेंथ रख देंगे 0.7 के राउंड। तो ये हो गया इतना। फिर यहाँ पे हम आगे जाएंगे, आगे जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर भी लगा देंगे हम वाइट वाला, लेंथ रख देंगे 0.2 के अराउंड, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है बनकर, एक बार आपको चला के दिखाता हूँ किस स्टेप से हमारी वीडियो बन के आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपने ऊपर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे दोनों को लेंथ को फुल करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस, वीडियो आपको जरूर से भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर देना,
और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, फॉलो कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।